हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो कल है होली और एडवांस में आप सभी लोगों को हैप्पी होली, बड़े लोगों को प्रणाम, छोटे लोगों को आशीर्वाद, सभी बच्चों को बहुत सारा प्यार। तो सब लोग अपनी होली को खूब अच्छे से मनाइए। तो यहाँ सुबह सुबह का समय है और मैं सारे धुलने उलने का काम कर रही हूँ पूरा ऊपर का, तो इसको धुल लूँगी, साफ़ कर लूँगी मैं, उसके बाद ही आगे का काम मैं देखूँगी। अभी मैं नहाई वहाई नहीं हूँ, तो ये सब साफ़ हो जाएगा तब। तो कल त्यौहार है इसलिए मैं आज ही सारा सफाई कर ले रही हूँ, उसके बाद मुझे आज पूरे बहुत सारा काम है। तो फिर देखती हूँ कब कब कैसे कैसे क्या मैं करती हूँ। जहाँ मैं रहती हूँ नीचे, तो उसको मैं रात में उसकी सफाई करूँगी। ये सब ऊपर तो जाता नहीं जाता, बस इधर दूसरे यहाँ पर मैं बस कपड़े फैलाती हूँ, कोई आता जाता नहीं है। लेकिन त्यौहार है तो त्यौहार का समय है तो सब कुछ साफ करना पड़ेगा, कपड़े सफाई करनी है, पहनने करनी है, सब कुछ साफ सुथरा रहे अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए मेरा उत्तन बन के तैयार हो चुका है और मैं इससे अब सबकी मालिश करूँगी। तो आज है होलिका दहन और होलिका दहन के यहाँ हम लोग का रिवाज है कि उत्तन से सब लोग की मालिश किया जाता है, और मालिश करने के बाद ये जो झिल्ली निकलती है ना शरीर की, वो सारे झिल्ली को हम लोग होलिका माँ में ले जाके डाल देते हैं। तो इससे होता है कि शरीर के सारे दुख सारी परेशानियाँ खत्म हो जाती हैं। तो वही मैं परी का मालिश की हूँ, डूबू का मालिश की हूँ, फिर मैं इनका भी मालिश करती हूँ। तो ये कहीं बाहर गए होते हैं तो मैं जब वो रात में आते हैं तब मैं उनका मालिश करती हूँ, और फिर अपना हाथ बस हाथ में अपनी मालिश कर लेती हूँ। और रात को होलिका माँ जलती हैं तो शाम तक गर्मी का दिन है तो मालिश होती है। तो यहाँ पर जो बच्चों की है पिचकारी, दोनों बच्चों की हमारे, ये पैक है, चक्री है। मैं इसको ना फोड़ के दिखाती हूँ आप लोगों को कि ये कैसे बजते हैं। परी का टी शर्ट, एक ये टी शर्ट है।
टी शर्ट, परी का टी शर्ट। तो बस मैं जा रही हूँ गुजिया बनाने, तो इतना खोआ मैं रखी हूँ गुलजामुन बनाने के लिए, अभी तुरंत बनाऊंगी गुजिया बनाऊंगी, उसके पास गुलजामुन बनाऊंगी। इसीलिए कहती हूँ ना कि मैं बहुत मेहनत करती हूँ, तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब किया करिए। और ये देखिए, इसमें मैंने खोआ ले लिया है, ये बड़ा बर्तन है ना, तो मुझे मिलाने में आसानी होगी, आराम होगा। तो यहाँ पर मैंने सूजी को भूज लिया है और ये चीनी मैंने पीस ली है। तो सूजी हमारा हो चुका है ठंडा, खोआ गीला है, तो इसमें मैं सूजी को मिला लेती हूँ। अब मैं इसमें चीनी ऐड कर लेती हूँ। मैं डाल के, तो आप लोग से मैंने पहले भी बताया हुआ है कि हम लोग थोड़ा सा मीठा ज़्यादा रहता है मेरा सामान, मतलब खाने का सामान, तो आप लोग अपने हिसाब से मीठा कम ज़्यादा करिएगा, टेस्ट करके पता कर लीजिएगा कि कितना मीठा चाहिए कितना हल्का चाहिए। हम लगभग साफ ही बनाते हैं क्योंकि हम निकाल लेते हैं पहले माता रानी को और कन्हैया जी को भोग लगाने के लिए, तो बनता है तो हम पहले निकाल लेंगे, उसके बाद हम सबको देते हैं खाने के लिए। आपको पूछने जा रही हूँ, तो देखिए इसमें मैं अधिक मात्रा में तेल डालूंगी, ये एकदम तेल से ना ऐसे हो जाना चाहिए। मैं अभी करके दिखाती हूँ आप लोगों को, देखिए तेल इसमें ज़्यादा पड़ेगा, बस थोड़ा सा पानी डालने के बाद ये हो जाना चाहिए, इतना ज़्यादा तेल होना चाहिए। मैंने इसको पूरा अच्छे से मोयन दे दिया है ना, तो ये देखिए कुछ ऐसे हो जा रहा है, अभी पानी नहीं डाली हूँ मैं, देखिए। अब इसको मैं हल्का सा पानी का बस छींटा लगा के इसको मैं गूंथ लूँगी। मैं गुजिया का सारा सामान तैयार कर दी हूँ, इसमें देखिए नारियल डाल रही हूँ, सूखा नारियल था तो इसको मैं एकदम पतला पतला करके इसको मैं डाल ले रही हूँ। और ये देखिए चिरौंजी है, चिरौंजी डाल रही हूँ मैं, और किशमिश डाल रही हूँ, और इसमें इलायची अभी मैं डालूंगी, इलायची भी आप लोग डालिएगा, इलायची भी अभी मैं दिखाई नहीं लेकिन मैं डालूंगी इसमें इलायची। तो मैं ये रोटी बना ली हूँ और बस इतनी थक गई हूँ ना कि गुजिया मेकर को रोटी बोल रही हूँ। तो ये मैं पानी रखी हूँ ना यहाँ पर, तो इसको ऐसे मैं लगाऊंगी इस पर, इसका मुंह खुलने का डर नहीं रहता है तेल में। देखिए एकदम परफेक्ट, इसको तेल में डालूंगी और इसको हल्का लाल मैं करती हूँ, तो मैं दिखाती हूँ कितना लाल करती हूँ मैं।
देखिए एकदम सही बना हुआ है। देखिए कितनी अच्छी गुजिया बनाई है मैंने, एकदम कुरकुरी सी, अच्छी सी एकदम। तो देखिए हमारी गुजिया, सब लोग खाइए, होली एंजॉय करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और अपनी होली को खूब अच्छे से एंजॉय करिए। तो बताइएगा कि हमारी गुजिया कैसी बनी है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैं गुलाब जामुन के लिए ये खोए को खूब अच्छे से मैश कर ले रही हूँ ऐसे। और इसमें मैदा डाल दे रही हूँ थोड़ा सा। एकदम मैं थोड़ा सा बस मैदा डालती हूँ, ऐसा नहीं कि कितने में कितना, ऐसा तो मैं करती नहीं हूँ, एकदम हल्का सा मैं बस मैदा डालती हूँ, बहुत जरा सा। और इसमें ना ये पानी नहीं था जो मैं डाल रही थी, इसमें मैंने रिफाइंड डाला हुआ है चाय पीने वाली केटली में। तो बस यहाँ पर मैं गुलाब जामुन का लोई बना ली हूँ और उसको तल के निकाल लूँगी। तो मैं तुरंत इसको डालने जा रही थी चाशनी में, उधर चाशनी बन के तैयार है तो डालने जा रही थी, तो फिर हुआ कि नहीं थोड़ा रेस्ट कर ले उसके बाद मैं डालूँगी। और आप लोग देख सकते हैं कि मैं अब कितनी थकी थकी सी लग रही हूँ। तो हमारी गुलाब जामुन बनके हो चुकी है तैयार और बस इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी और नई सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।